मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे चार अक्षर वाले शब्द। पहले वाले वीडियो में हम सीख चुके हैं कि दो अक्षर वाले शब्द और तीन अक्षर वाले शब्द। अब हम सीखेंगे चार अक्षर वाले शब्द। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि हमें शब्द सीखने के लिए व्यंजनों की पहचान होना बहुत जरूरी है, जिसे हम शब्द आसानी से बना सकते हैं। तो आप सब देखो ध्यान पूर्वक, अ ज ग र क्या बन गया, अजगर। जैसा कि आपके बुक में बताया गया है कि पहले चित्र में अजगर, दमकल और शलगम चित्र देखते हैं हम आसानी से पहचान भी बता सकते हैं कि ये किसका चित्र है। लेकिन जब शब्द बनाने की बारी आती है तो शब्द बनाने से पहले हमें व्यंजनों का व्यंजनों की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं, अ ज ग र, तो क्या बन गया, अजगर। द म क र, क्या बन गया, दमकल। दमकल क्या होती है, दमकल होती है कि आग बुझाने वाले घर, गाड़ी जो होती है उसे बोलते हैं दमकल। श ल ग म, क्या बन गया, शलगम। त र क श, तो क्या बन जाएगा, तरकश। क्या बनेगा, तरकश। अब हम तरकश क्या होगा, तरकश जिसमें तीर रखने का जो बना हुआ होता है शेड, जिसमें तीर रख के धनुष बाण चलाते हैं, वो जितना तीर रखने की तीर रखने का जो शेप का जो बना होता है उसे बोलते हैं तरकश। पीछे जो कमर पर जो बांधा जाता है उसके अंदर तीर रखा जाता है उसको बोलते हैं तरकश। स र क स, सर्कस। सर्कस तो आप सब जानते हैं कि सर्कस आपने देखा भी होगा, सर्कस। सर्कस में कहा हर कई तरह के कर्तव्य दिखाए जाते हैं। थ र म स, थर्मस। थर्मस सबने देखी है, थर्मस जिसमें पानी कोई भी चीज गर्म रखनी होती है तो गर्म रखी जा सकती है, और कोई चीज ठंडी रखनी होती है तो ठंडी भी रखी जा सकती है। इसी तरह नेक्स्ट है अ फ स र, अफसर। पढ़ लिखकर इंसान क्या बनता है, अफसर, बाबू। जो पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से वो बड़ा इंसान बनता है उसको बोलते हैं, जो ऑफिस में काम करता है उसे बोलते हैं अफसर। अफसर बनोगे ना, जो जो अच्छी पढ़ाई करेगा पढ़ लिखकर आप क्या बनोगे, अफसर। उपवन, क्या बन गया, उपवन। एक बार फिर बोलो, उपवन। उपवन, उपवन क्या होता है, उपवन इज बगीचा। आप जाते हो बगीचे में, यस, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपवन, उपवन। नाटक, नाटक, नाटक मतलब चंचल शरारती। जो बच्चे नटखट होते हैं उसको, जो शरारती भी होते हैं चंचल भी होते हैं उन्हें हम नटखट का नाम देते हैं। मलमल, मलमल ये मलमल होता है एक कपड़े का प्रकार, जैसे मलमल, मलमल। पनघट, पनघट, पनघट पे क्या करते हैं, औरतें पानी भर के लेके आती हैं। बर्तन, बर्तन। करवट, करवट। जमघट, जमघट। जब एक साथ खड़े हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, जमघट एक साथ भीड़ बना के खड़े होना या बैठना उसको बोलते हैं जमघट, जमा होना एक साथ। झटपट, झटपट। जब काम को जल्दी से किया जाता है झटपट, झटपट में जल्दी। कुछ करता है
तो बच्चों ये सब सारे जो शब्द हैं वो कौन से हैं? चार अक्षर वाले शब्द, जैसे दो अक्षर वाले शब्द थे वैसे तीन अक्षर वाले, और उसी तरह से चार अक्षर वाले शब्द हैं जिनका हम बोल बोल कर सीखने का अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार जब हम दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले शब्द जब हमें पढ़ना बोलना आ जाता है तो उसके बाद हम वाक्य बनाना भी सीखते हैं। तो आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे और उसको बार बार बोलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आप बताओ, आप ये क्या है? अ क ब र, तो क्या बन जाएगा ये पूरा शब्द? ये पूरा शब्द बन जाएगा अकबर। क्यों? ये अब आप बोल के अच्छे से बोल के पा रहे हो क्योंकि आपको अब व्यंजन की पहचान हो गई है। तो जब हमको व्यंजन की पहचान हो जाएगी तो हम आसानी से शब्द से वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला वाक्य है अकबर। अकबर कसरत, कसरत कर कर। तो पहला वाक्य क्या बन जाएगा? अकबर कसरत कर। अब दूसरा वाक्य है टम 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 टम, पर पर चढ़ कर चल चल। तो दूसरा वाक्य क्या बना? टम टम पर चढ़ कर चल। इस तरह से हमने दो वाक्य बनाने सीखे। पहला वाक्य था अकबर कसरत कर, ठीक है, और दूसरा वाक्य बनाया हमने टम टम पर चढ़कर चल। आ रहा समझ में आपको? अब हम तीसरा वाक्य बनाएंगे, जैसे नंबर थ्री है बर्तन बर्तन पकड़ पकड़। तो क्या वाक्य बन गया? बर्तन पकड़। अब हम चार नंबर पे जो वाक्य बनाएंगे वो है ख ट प ट खटपट मत मत कर कर। तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा? खटपट मत कर। अब नेक्स्ट वाक्य है जो पांच नंबर पर है इधर इधर उधर उधर नजर नजर रख। तो पांच नंबर पर जो वाक्य बनेगा वो हमारा बनेगा इधर उधर नजर रख। आ रहा है बच्चों? समझ में? ध्यान से पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम नेक्स्ट वाक्य जो पढ़ेंगे छह नंबर पर पनघट पनघट पर पर जर जल भर भर। तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा? पनघट पर जर भर। यस। अब है नेक्स्ट सात नंबर का जो वाक्य बनेगा शलगम शलगम चक। क्या चक? शलगम चक। नेक्स्ट है आठ नंबर पे अफसर अफसर बन बन अफसर बन। अब नाइन नंबर पे जो वाक्य बनेगा नौ नंबर पर गणपत गणपत अजगर अजगर मत मत पकड़ पकड़। तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा? अजगर सॉरी गणपत अजगर मत पकड़। अब नेक्स्ट है दस नंबर पे जो वाक्य बनेगा पर्वत पर्वत पर पर चढ़ चढ़ पर्वत पर चढ़। क्या बन जाएगा? पर्वत पर चढ़। अब है नेक्स्ट वाक्य ग्यारह नंबर पर हल चल हल चल मत मत कर कर हल चल मत कर। अब नेक्स्ट शरबत शरबत चख चख। क्या चख? शरबत चख। सर पाटा स
जो वाक्य है अपना नट पट नटखट मत मत बन बन नटखट मत बन। इस तरह से आज हमने 14 यानी 14 जो वाक्य बनाने सीखे हैं उसको बार बार पढ़कर इसका अभ्यास करेंगे और इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।